शनिवार शाम झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश से भरी गाड़ी के साथ हावड़ा में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बरामद पैसे को लेकर तीनों विधायकों के बयान अलग अलग आ रहे थे। मीडिया की खबरों के हवाले से ये भी बताया जा रहा था कि विधायकों के पास से 48 लाख रुपए कैश मिले हैं। कांग्रेस ने झारखंड के उन तीनों विधायकों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है जिनकी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस ने यह कार्रवाई रांची के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, सिमडेगा के कोलाबेरा से विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों विधायकों को सस्पेंड करने की जानकारी दी। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें, झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया था। उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी पर कैश होने की जानकारी मिली थी। उन्हें पांचाला पुलिस थाना क्षेत्र के रानी हाथी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोका गया था। तीनों विधायकों को सस्पेंड करने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।